खाना खा लिया अभी, तो खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। रात को भी मिर्ची इतनी ज्यादा थी, रुके थे वहाँ, और अभी भी मिर्ची बहुत ज्यादा है और नमक भी बहुत ज्यादा था। एक सब्जी मंगवाई ना मिर्ची नमक ज्यादा, दोबारा मंगवाई मिर्ची कम करवाई उसमें नमक ज्यादा, तो खाने का तो कोई मजा आया नहीं, पर फिर भी जबरदस्ती खाना पड़ा। वेस्ट नहीं करा हमने खाना, क्यों सर? भाई वही है ना, इनको ट्रक वालों की आदत बढ़िया बनाने की। हाँ, जो ट्रक वालों को ज्यादा मिर्ची वगैरह खाने की आदत है, तो नन्नू की मस्ती हमारे नन्नू की। हेलो नन्नू, ये दिव्यांग के ऊपर चढ़ रहे नन्नू भाई जी। हेलो भाई जी, भाई जी ये अपने फुल मस्ती में है, खाना खाने के बाद मस्ती में आ रही है। हाँ, दूध और खाना खाने के बाद मस्ती में आ रही है, उसे पहले सो रहा था। नन्नू दिव्यांग की पिट्टी बना दे। दोस्तों अब डलवाएंगे गाड़ी में डीजल, क्योंकि किलोमीटर हो गए 0-0। आगे पेट्रोल पंप, तो अपने बुल में डलवाएंगे दोबारा से डीजल। ये डल रहा है तीसरी बार ले। अब यार टैंक खुल रहा है बुल का, डाल दे भाई, फुल कर दो अपनी गाड़ी का टैंक। चलो दोस्त, दे दिखाते कितने का आएगा इसमें। क्या नाम भाई अपना? संजय कुमार। तो संजय कुमार है भाई, ये कौन ये डाल रहे हैं? ये एक का गांव है रामदेव, एक का गांव रामदेव, जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला पोखरण तहसील। तो भाई सुन, गाइस देखे जा रहा है आर्मी का हेलीकॉप्टर, ये रहा। नहीं, ये पोखरण से आ रहा है हेलीकॉप्टर, भाई बता रहा है अपने को, ये हेलीकॉप्टर पोखरण से आ रहा है। अच्छा सर, युद्ध अभ्यास होता है उसके लिए जाते हैं ये, तो युद्ध अभ्यास होता है उसके लिए जाते हैं। दो हेलीकॉप्टर है, 5,000 का कर दे भाई, 5,000 भाई। हरियाणा से, हरियाणा जिला रेवाड़ी। तो गाड़ी को हिला हिला के आसे भरवा रहे दोबारा। क्या मन होगा कर दो, क्या मन होगा। पिछली बार आपने उठे डलवाया तब कितना गवाया तू? 52 सर। क्या मन दबाव नहीं ये रेट का डिफरेंस यहाँ इधर आगे बढ़ता है ना? ट्रांसपोर्टेशन ये रहेगी सर, तो आपको जोधपुर में सस्ता मिलेगा, जयपुर में सस्ता मिलेगा, अजमेर में सस्ता मिलेगा। जोधपुर में तो यार हमें बाण में का मिला था, इतना ही मिला था। नहीं यार, पावर भाई जोधपुर में बाण में का ही मिला था अपने को। टैंक कराया था वहाँ भी प्रॉपर, जोधपुर बाजार भी
नहीं बाजार में नहीं करा भाई ये तो, वो तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन तो 51 का डीजल लागे अपनी बुल में, ये देखे गाइस आपको ऊपर तक दिख रहा होगा, दिखाना देना। ओ हो गया था कोमल का सर में दर्द, तब यहाँ अदरक वाली चाय बनवा रहे हैं ताकि सर में दर्द थोड़ा सही हो जाए, और आंसू को खानी थी मैं चाय आइसक्रीम। हमारा साथ में ले लो बिल्कुल जा भाई। तो ये है शिवम भोजनालय अंकल जी का, तो यहाँ आए और इस पे जरूर रुके हाईवे पे, और अंकल जी के होटल पे रुके, चाय वगैरह अच्छी बनाते, खाना भी अच्छा बनाते, यहाँ जरूर रुके, हाँ जरूर रुके यहाँ पे। तो ये देखिए इस ताऊ की मस्ती देखिए, कैसे एक पैर बाहर निकाल रखे और एक अंदर, ये देखिए। तो गाइस फिलहाल जा रहे हैं, फिलहाल है नागौर वाले रास्ते से, और जो निकलेगा सिक्कर, और रास्ता इतना अच्छा नहीं है वैसे, सिंगल रोड है, सिंगल रोड है बिल्कुल, इतना बुरा भी नहीं है, हाँ इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है मतलब, हाँ सीध मतलब ऊंचा नीचा रोड है थोड़ा, हाँ गाड़ी स्टेबल होकर नहीं चल पा रही बिल्कुल। और ये हमारे नन्नू की मस्ती चल रही है इसमें, है नन्नू, और ये हमारे सारे बेचारे थके हुए हारे हुए चेहरा मुरझा हुआ चेहरा बना के बैठे, जो गाड़ी में ट्रेवल कर करके थक चुके, अगर आप इनको दोबारा यूं कहते कि भाई दोबारा वापस चलेंगे तो सारे यूं कहेंगे ना ना जोड़ देंगे बिल्कुल, उल्टी हार जोड़ रहे हैं, अगर हारे बस की नहीं अब जाना, थोड़ी कम्फर्टेबल गाड़ी मिल जाएगी ना लंबे पैर कर करके तो तुम चले, पर हमें और जाने के लिए फिर भी तैयार है, तू तैयार भाई? हाँ हम दोनों तैयार है, हमारा नन्नू भी तैयार है ना बुड्ढो, हाँ हम तैयार है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए ड्यून्स में, ड्यून्स हाँ बिल्कुल, जैसलमेर के मजे वही है भाई ड्यून्स, ड्यून्स में हाँ जबरदस्त, और कहीं मजे नहीं है, और जैसलमेर और सबसे ज्यादा मजा है एक तो पैराग्लाइडिंग और एक बाइक राइडिंग, पता है नहीं नहीं सुनो तो जैसलमेर फेमस इसी चीज के लिए है, ड्यून्स के लिए फेमस है बस, और एक चीज में मजा आया भाई अपनी थार चलाने में, जो रेगिस्तान जो थार चलाने में मजा आया ना, वो कहीं चलाने में मजा नहीं आता, रोड पे भी नहीं आता वो मजा, तो क्यों आसु मस्त मजा, और इनको थोड़ा डर लगा था जो हम कर रहे थे वो करने में, राजा हमारे नन्नू की मस्ती देख देखिए, बनाओ बेटा पिट्टी बनाओ नन्नू, फोड़ दे बॉल कथे काम दी व्यांश का, तो गाइस सुबह से आप लिया स्टॉपेज चाय के लिए, कुछ चाय नाश्ता खाने के लिए चाय पियेंगे, और आंसू आ गया, तो ये है गाइस किस्मत होटल A1 रेस्टोरेंट, तो यहाँ आप करेंगे अपने चाय वगैरह पियेंगे, अभी थोड़ा आराम करेंगे, सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और सुबह से अब कर रहे हैं रेस्ट, अभी लिया गाड़ी चलाते चलाते, तो यहाँ रुकेंगे अभी, आशु खाएगा भाई कुछ पिएगा चाय सबकी, सोनो आप भी लोगे चाय, ओके ओके भाई चाय है या कॉफी है, चाय या कॉफी है सब है, तो एक कप चाय और दो कप कॉफी, तो ये भाई है जो अपने को चाय और कॉफी पिलाएंगे अभी, तो यहाँ बैठने का प्रबंध भी काफी अच्छा कर रखा है भाई ने, यहाँ आओ तो जरूर रुकना एक बार, अंदर से बहुत अच्छा कर रखा है, आराम से रेस्ट करो यहाँ बहुत अच्छे। तो गाइस ये है रेस्टोरेंट, जब अपना थोड़ा खाएंगे कुछ, क्या खाओगे भैया,
सैंडविच वगैरह खाएंगे यार। क्या नाम भाई इसका? ये मुद्रा रेस्टोरेंट। ये है मुद्रा रेस्टोरेंट सालासर में। तो अभी सालासर में हम और यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। क्या क्या ऑर्डर किया अभी अपन ने? वेज ग्रिल सैंडविच, ग्रिल सैंडविच 5, एक फ्रेंच और फ्राई। एक फ्रेंच फ्राई, 3 कोल्ड कॉफी और 2 स्ट्रॉबेरी शेक। तो गाइस ये ग्रिल सैंडविच, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड कॉफी तीनों और ये इनका स्ट्रॉबेरी शेक। तब खाते और एंजॉय करते हैं। हेलो गाइस, फिलहाल जा रहे हैं सालासर बालाजी मंदिर के मंदिर पे। चलो जल्दी जल्दी छूट पर भाग रहे हैं। और हम तीन चार हो यहाँ सिर्फ हम दो गाड़ी भी रह गए क्योंकि हमारा रन रुकता नहीं रोता दिव्यांग शेरा मोटे से भाग नहीं जाता। तो हम जल्दी जल्दी चले क्योंकि हमें आगे भी जाने खाटू श्याम जी के भी जाने तो उसकी वजह लेट हो रहे हैं। तो ये है गाइस मार्केट बाबा की सालासर जी की मार्केट। तो यहाँ से बच्चों के लिए या फिर बाबा के कुछ यहाँ के लिए सब सामान मिलता है। यहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे वगैरह सब यहाँ मिलते हैं। ये है मार्केट, यहाँ की चूड़ी वगैरह चूड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे बाबा का चढ़ाने का ये सिंदूर, ये प्रसाद। तो मंदिर आने वाला है। तो मंदिर पहुंच गए गाइस अपन। और इसमें इतना खाली है, इसमें फ्रेंच फ्राइज खाली से चला ही नहीं जा रहा। मोटे का पेट देखो इसका, पेट देखो इसका, इसके चाचा और इसका दोनों चाचा भतीजे खा खा के मोटे हो रहे हैं। सौंद निकलती जा रही दोनों की। अबे तुम इतनी आगे चाचा भतीजा भाग रहे हैं, हम पीछे रह गए, हम रास्ते आगे। अभी साइड ना तब लेंगे प्रसाद। बाबा का क्या लेना भाई? प्रसाद में नहीं है, मास्क लेना है। जबे प्रसाद में क्या लोगे भाई? तब ये ले रहे हैं प्रसाद। प्रसाद 1 किलो यहाँ ले रहे हैं प्रसाद। हाँ ले तो भाई लड्डू दे दे 1 किलो भाई, दे तो जल्दी प्रसाद। और ये है श्री बालाजी मंदिर, जो एंट्री है यहाँ से। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये लग रहा ऊपर। और ये एंट्री दिखा दे। तो ये अपन ले लिया प्रसाद, थैंक यू भाई। तब चलते हैं, चलिए तब चलते हैं बाबा के दरबार में। रुको वीरे, अरे वीरे मारी वेट करो यार। तो हम चल दिए सारे बाबा के दरबार में। तो काफी भीड़ है दिखा। ये है बाबा के दरबार की भीड़, जो दर्शन करके आ रहे हैं और हम बाबा के दरबार पे जा रहे हैं। फिलहाल कुंज के लिए ले रहे हैं कितनी का भैया? 20 रुपए की दे दो भाई। ले रहे कदा सही कदा आपको बता, जल्दी बता। छोटा बच्चा, छोटा दे दो, छोटी दे दो ये कदा। फिर क्या 100 बबल चाहिए ना तेरे को? क्या चाहिए? ये दे दो 100 बबल। दे दिया अन्य 100 बबल ये लो। ठीक है और वहां ओके शाम जी के कितने हो गए भैया? 70 हो रहा है, लेट हो रहे हैं। चलते हैं गाइस।
बाबा के दर्शन तो करवा नहीं पाए आप आपको, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए बाबा के दर्शन नहीं करवा पाए हम आपसे, लाइव दिखा नहीं पाए। हाँ हमने अच्छी तरह किए, सब चलते हैं खाटू श्याम के, अगर वहाँ दर्शन हो पाए तो वहाँ करवाएंगे आपको, नहीं हो पाएंगे तो भाई हमारा बाबा के यहाँ हम खाटू श्याम के जाएंगे। हाँ सालासर बालाजी फिर कभी आने का वो था नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, पर यहाँ क्या हुआ भूख लगे हमें एकदम से, और इस साइड था कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो मैंने डाला रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट भी ये बाबा के मंदिर से 400 मीटर 400 मीटर। हाँ तो बाबा को भाई बुलाना था दर्शन देने के, किसी तरह बुलाना था हमें, दर्शन हो गए सब कुछ बढ़िया हो गया, बस अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास, वहाँ से सीधा निकलेंगे खाटू के बाबा के, उसके बाद अपने घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे कहीं रुक के, उसके बाद घर पे फिर आपसे मिलते हैं आराम से मंदिर में, बिल्कुल बाबा के मंदिर मिलेंगे अभी आपसे।